बस लाइट इतना परेशान करती, दोपहर में 2 घंटे कंटिन्यू नहीं थी, 3 बजे आई लाइट, 3 बजे से लेटा भी, 4 बजे तक भी नींद आई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग, एक नए दिन के साथ एक नई शुरुआत। और अभी ना सुबह के बज रहे हैं 10:30 है ना, अभी जस्ट हम लोगों का वीडियो अपलोड हुआ। और होपफुली ना आज ना सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज क्या है, आज जो हम लोगों को ब्लॉग अपलोड हुआ है ना, मतलब कल वाला ब्लॉग, अभी जो अपलोड होकर फ्री हुआ हूँ, तो ये वाला ब्लॉग ना 100 था, मतलब सेंचुरी हो गई आज से हम लोगों के ना ब्लॉग की, मतलब आज 100 नंबर ब्लॉग हम लोगों का फाइनली अपलोड हो चुका है। मतलब सोचिए हम लोग ना, मतलब कितने महीने से काम करते हुए, मतलब अगर पर डे अगर ब्लॉग देखा जाए ना, तो 30 दिन का अगर भैया एक महीना आप देखें, तो भी 3 महीने से प्लस हो चुका है ब्लॉग डालते हुए। बट ऐसा नहीं है, हम लोग 28 दिसंबर से शुरू किए थे चैनल अपना, 22 को हम लोगों का चैनल बना था। फिर चैनल को पूरा कंप्लीट करने में, फ़ोटो थीम ये सब सेट करने में, एक चैनल क्रिएट करते करते हम लोगों को ना 28 तारीख को हम लोगों का फर्स्ट ब्लॉग आया था फाइनल, और आज हम लोगों का 100 नंबर ब्लॉग हो चुका है। लेकिन कल वाले ब्लॉग में एक चीज़ की दिक्कत, कल ना मैं ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं कर पाते, क्योंकि 2 बजे में आया था निमंत्रण से, पूरी रात ख़राब होगी। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, पर जब डेली इंसान काम करता है ना, उसके बाद खुद को लगता है कि बताओ आज आज हम लोगों का 5 मिनट का मात्र ब्लॉग आया है, सिर्फ और सिर्फ। अरे ये इंसान अभी मेरे को डरा दी, डर गया ना ब्लॉग, मैंने ना ब्लॉग अपलोड किया, इसके बाद ये अपने फोन में ना, इसको जैसे एक नोटिफिकेशन जाता है, फर्स्ट नोटिफिकेशन, तो इसको नोटिफिकेशन गई थी, इसने क्लिक करके जब देखा, तो इंट्रो में ना मैं बीच का लगा देता हूँ थोड़ा सा क्लिप 4-5 सेकंड की, इसने उसको देखा, बोली आगे आज तुम्हारा ब्लॉग शुरू से नहीं स्टार्ट हो रहा, रात से स्टार्ट हो रहा है राक्षस। क्या ऐसे ऐसे डराओगे तो कौन नहीं डर जाएगा। क्या लाओ, थैंक यू, बोलो ना कुछ अच्छा लगता है, सब मजा आएगा। किचन में बैठ के खाना खाने के लिए गए थे अभी, लेकिन इतनी गर्मी है भाई वहाँ पे, एकदम रहा नहीं जा रहा, 1 मिनट 1-1 घंटे में लाइट जाती है, 12 बजे जाएगी 10 मिनट के लिए, 1 बजे जाएगी 10 मिनट के लिए, लाइट इतना परेशान करके रखे इस समय। चलो शायद चलो, और मेरे को भी ना कूलर में पानी डालना पड़ेगा, अभी तक तो मस्त एसी में लेटा रह गया, लेकिन अब लाइट जब आएगी ना तो कूलर चलाएंगे ना, तो इसमें पानी डाल दें, ताकि 2 बाल्टी डाल देंगे तो इसकी टटियाँ नहीं खुलती। गाइस अब देखिए 1 घंटे के लिए लाइट चली गई। गाइस मैंने ना पिछले साल गांव में इस गर्मी को देखते हुए लगवाए थे एसी और इस साल हम लोगों को ऐसा जा रहा है कि मतलब क्या बताएं, बताइए, एसी लगी हुई है और हमारी मम्मी देखिए कैसे, और ये देखिए मम्मी हमारी लगी हुई है हाथ वाले पंखे से हवा लेने में, और ये इधर साइड से आती मैडम भी लगी हुई है मस्त खिड़की दरवाजा खोल कर, और ये लगी हुई है एसी ये मेरी एसी। दोपहर में 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइट न रखी इस काम की ऐसी एसी लगवाने से, इससे अच्छा तो ससुरा पंखा ही ऐसे हाथ वाले ले रहो, 4-5 सभी लोग अपने अपने बिस्तर में इसे मस्त डुलाते हुए बैठे रहो, मजे लगवाओ, फालतू में 40,000 रुपये मेरा खराब हो गया, 40,000 का कुछ और लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्या शाम के बज रहे हैं 5:00 सोकर उठे, चाय वगैरह पिए, मुँह वगैरह धुल कर अभी चल रहे हैं ना बब्बा कूलर बनवाना है, 4-5 दिन से रखा हुआ है ऐसे ही बन नहीं पा रहा था, तो अभी चलते हैं अपना खैरहाई साइड, मतलब बनता है वहीं पे एक दुकान है, तो वहीं पे ना कूलर बनवाते हैं, और गेहूं भी ले जाना है पिसवाने के लिए, बिकॉज आटे के लिए उस दिन भी ले गए थे, तो उस दिन ना चोकरा ले गए थे गाय के लिए, आज ना गेहूं पिसवाना है आटा बनवाने के लिए, मतलब जो हम लोग खाते हैं उसी के लिए। और यहाँ पर ना काफ़ी अच्छा वीडियो बन रहा है, मतलब पीछे का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा हरा है, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अभी सचिन को बुलाएं, सचिन भी आया चाय पी रहा है अंदर, मैं अभी जस्ट चाय पी कर बाहर आया हूँ, थोड़ी सी तबीयत डाउन है बिकॉज लाइट इतना परेशान करती है, दोपहर में 2 घंटे कंटिन्यू नहीं थी, 3 बजे आई लाइट, 3 बजे से लेटा भी, 4 बजे तक भी नींद आई, और 4:30 बजे लाइट फिर से चली गई, समझ में नहीं आता लाइट का क्या रहता है नाटक इस समय। अभी जस्ट आ रहे हैं ना कूलर बनवाने के लिए देकर, और गेहूँ दे रख कर आ रहे हैं पिसवाने के लिए, और अभी आने के बाद ना पता चला कि आज एक निमंत्रण है ना अतुल की, आज सिस्टर का शादी है हल्दी में, तो मेरे को भी जाना है वहाँ, बिकॉज स्वाति भी जाएगी, और उधर साइड से वर्षा को भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी शादी हो रही है ना वो इन लोगों की फ्रेंड है, ये सभी लोग जाएंगे आज तक। हाँ वर्षा भी जाएगी, ये भी जाएगी, तीनों लोग, मतलब दोनों लोग, अब मैं इनको लेकर जाऊँगा। वाह वाह क्या बात है, 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, रहेंगी ना तो आना पड़ेगा, फिर ना फोन ना उठाएंगे,
ये हो सकता है। मैं चाबी नहीं दूंगी, मैं भी इस तरह वो नहीं। अरे वो सब तो नहीं होगा। सभी रात के बज रहे हैं 12 और अभी मैं ना निमंत्रण से बचस्ट घर आ चुका हूँ। नींद काफ़ी ज़्यादा लग रही है बिकॉज कल रात में ना मैं समथिंग 4 बजे के टाइम सोया था, क्योंकि 2 बजे मैं घर पहुँचा, इसके बाद लाइट भी चली गई तो नींद नहीं आ रही थी। ब्लॉग एडिट करने लगा, पहले सोचा था कि 5 बजे से उठूँगा तो ब्लॉग एडिट करूँगा, बट हाँ नींद के कारण मेरा रात ही में एडिट करने लगा मैं। 4 बज गए थे सोने के लिए, फिर 8 बजे इधर उठकर ब्लॉग भी अपलोड करना पड़ता है यूट्यूब पे, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है सोने की इस समय ना। एक तो यूट्यूब में ना सबसे बड़ा सोने की दिक्कत है, सबसे ज़्यादा कोई टाइम नहीं, कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं, बट हाँ क्या करें करना पड़ता है। और फिर दोपहर में सोचा सोने के लिए, 1 बजे से 3 बजे तक लाइट ही नहीं, वो भी उधर नहीं सो पाया। अभी रात में 12 बजे लाइट आई है जब मैं घर पहुँचा हूँ, घर इसीलिए नहीं आ रहा था। पहले गया तो वर्षा को छोड़ा उसी के वहीं बैठा रह गया बाहर, मैं सचिन सभी लोग मस्तमन भैया लोग दरबार करते हुए 10 मिनट पहले फिर आया, 7-12 बजे आ जाए। जैसे ही घर पहुंचा तो आ गई थी लाइट, मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी दरवाज़ा अच्छे को खोल दी, अभी लोग सभी लोग सो रहे हैं बिकॉज आधे घर में कोई नहीं था ना, तो पापा मम्मी जल्दी सो गए थे, लाइट भी नहीं थी, सोए क्या थे, फ़ोन चला रहे थे, लेकिन अभी सो गए हैं सभी लोग। पानी बस में निकालो उठने लगे और लोगों की हालत कुछ इस तरह है भाई साहब, कुछ दिखाने लाइट नहीं, इतना गंदा लैपटॉप सिर के बगल में रखा हुआ है, क्योंकि कल ना सिस्टर रहेगी नहीं घर पर, क्योंकि ना वो रात ही में वहीं रुक गई, आ ही नहीं गई। से अच्छा है भाई बिस्तर से उठो फिर सामान लो, तो अभी अपने ही बाजू में जस्ट रख लिया है लैपटॉप चार्जर हेडफोन सब कुछ, बगल में पावर बैंक भी आज रखा हुआ है मैंने चार्ज करके, क्योंकि फिर ना बैटरी की दिक्कत हो जाती है, फ़ोन डेड हो जाता पूरा। और अभी ना एक साथ मेरे साथ ना पोपट हो गया, मतलब चार्जर लैपटॉप पे रखा यहीं पे था और मैं पूरे घर में ढूंढ रहा, मतलब इधर उधर सब हर जगह, इधर साइड बैग रखा ट्राईपॉड सब कुछ, पूरा एकदम भंगाड़ मचा हुआ है रूम का, मतलब कुछ बता नहीं सकता कैसी हालत है रूम की। अभी ब्लॉग एडिट करना शुरू किया जाए बिकॉज अभी बज रहे हैं रात के 12:30, तो अपने को लग जाएगा समथिंग 2:30 से 3 बज जाएंगे। तो आज सोच रहा हूँ ना कि सुबह सुबह ना फिर डाटा का बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि मेरा ब्लॉग इस समय ना डेली मेरा टाइमिंग है 10 बजे का, मैं टाइम सेट करके अपलोड करता हूँ, बट हाँ अपलोड होते होते ना मेरे को फ़ोन से फिर टाइम फिर बढ़ाना पड़ता है 10:30-11, क्योंकि डाटा सुबह सुबह बिल्कुल नहीं चलता। साथी का फ़ोन भी यहाँ पे नहीं रखा है, सबसे बड़ी चीज़ है फ़ोन पता नहीं कहाँ रखा है, शायद मम्मी के रूम में रखा हुआ है, अब लो डाटा के लिए दिक्कत है। और मेरे साथ इस समय ना मेरी किस्मत पूरी ख़राब चल रही है, क्या बताऊँ, लगता है कि किसी को ना आज ना मेरे फ़ोन का ना डाटा ख़त्म हो गया, फिर मैं सुमन भैया से 10-15 रुपये का 1 GB का करवाया, कल मैंने शुभम से करवाया था 25 रुपये का 2 GB का डाटा, मतलब हाल इस समय ऐसे चल रहे हैं, मतलब 3-3 GB डाटा मेरे को मिलता है पूरा ख़त्म हो जाता है टोटल यूट्यूब के लिए, मैं कुछ भी नहीं देख पाता, इंस्टा चलाता हूँ थोड़ा बहुत, यूट्यूब में हो गया थोड़ा बहुत देख लेता हूँ वीडियो, बाकी पूरा ख़त्म हो जाता है ऐसे ही मेरा डाटा सिर्फ यूट्यूब में, मेरे को रिचार्ज करना पड़ेगा। बट दिक्कत ये है कि मेरा डाटा ना फिर से पूरा मतलब 100% ख़त्म हो गया, देखते हैं अगर पंडित जग रहा होगा भी उसको मैसेज करूँगा तो 25 का मार देगा। और मेरा अकाउंट, हाँ अकाउंट बता रहा था ना, मेरा अकाउंट ब्लॉक चल रहा है इस समय, पेटीएम मेरा 3 महीने पहले ब्लॉक कर दिया, पता नहीं क्या हो गया कि पेटीएम अकाउंट ब्लॉक हो गया, और मेरे साथ कल एक और लोचा हो गया। रुको जरा सबर करो, मतलब यूनियन में मैं चलाता था सेविंग अकाउंट एज ए मतलब छोटे मोटे ट्रांजेक्शन के लिए, इसमें ज़्यादा अमाउंट नहीं रखता था, 2000-4000-10000 मतलब जब जैसा इच्छा, मेरा पूरा पैसा फंस गया उसी अकाउंट में, और कल से मेरे अकाउंट में -6 रुपये दिख रहा है। अब भाई साहब मेरे अकाउंट में पैसा था मतलब 2500 से प्लस ही था, करंट अकाउंट में है मान लीजिए, अभी करंट अकाउंट का तो है वो तो मतलब करंट अकाउंट ना 3 दिन चल रहे हैं उनमें, तो उसका तो कोई नहीं है, उसको मैंने फ़ोन पे में ऐड ही नहीं किया है क्योंकि उसको नेट बैंकिंग चलाता हूँ फ़ोन से या फिर लैपटॉप से। यूनियन बैंक भी कल से ब्लॉक हो गया। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अब समझ में नहीं आ रहा कि यूनियन बैंक में माइनस कहाँ से हो गया पैसा, आज तक कभी नहीं हुआ कोई अकाउंट मेरे माइनस में नहीं गया, फर्स्ट टाइम मेरा बड़ा पूरा दिमाग ख़राब हो गया। कल मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन लगाया तो उसने बोला कि आप बैंक में जाके संपर्क करिए, आज ना धूप के चक्कर में बैंक में नहीं गया। अब देखते हैं अगर कल सैटरडे है, अगर कल बैंक खुला रहेगा होपफुली कल जाएंगे बात करेंगे, भाई मेरा अकाउंट माइनस की दिक्कत नहीं है, आप पैसे की दिक्कत नहीं है भाई, पैसा मेरा किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, मेरा काम रुक जाता। इसी चक्कर में मैं आज गाड़ी में तेल भी नहीं डलवा पाया, पैसा ही नहीं था क्योंकि कैश में ज़्यादा रखता नहीं हूँ, 100-200 रुपये रखे रहो। जैसे कि इस समय ना मैं एक दिन गया था ATM से 1000 निकाला था, क्योंकि यहाँ इधर साइड ना शादियों में टिकाऊ ना देना पड़ता, बाकी मैं रखता ही नहीं कैश, हो गया क्या करें। तो अभी इस ब्लॉग को ना यहीं पेंट करते हैं क्योंकि रात भी काफ़ी ज़्यादा हो रही, आप लोगों को भी दिक्कत, लंबा हो जाता है वीडियो ना फिर,
और हालांकि ना कल वाला ब्लॉग में मेरे लंबा नहीं हो पाया था, 5 मिनट कुछ सेकंड का ही था, तो ये फिर वीडियो ना लंबा हो जाता है, इरिटेट होने लगता है इंसान वीडियो देखने में। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।